सारिया न्यू सत श्री अकाल, मेरा नाम है अंकिता और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या आप अपना करियर इंडियन आर्मी में देख रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स में देख रहे हैं या फिर इंडियन नेवी में देख रहे हैं, तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो स्टूडेंट ज्यादातर जो आप करते हैं वो ये करते हैं कि आप अपने घर के आसपास कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पर एक दो घंटे की क्लासेस लेते हैं, फिर घर पर खुद ही रिटन की प्रिपरेशन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और खुद से ही फिजिकल की ट्रेनिंग लेते हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तब वहां पर आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाती है और बहुत सारी दिक्कतों से आप जूझते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको अपना करियर इसी फील्ड में बनाना है, इन सर्विसेज को ही ज्वाइन करना है, तो आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जहां पर आप रह सकते हैं, 7 to 8 hours की रिटन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है, टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, फिजिकल के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, मेडिकल के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और साइकोलॉजी के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और वो सारे लेवल्स के लिए, वो सारे पैरामीटर्स के लिए तैयारी कर सकते हैं जो कि इन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। सो स्टूडेंट, अगर आप देखें तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट को एक डिसिप्लिन तरीके से क्लासेस देता है, एक प्रॉपर गाइडेंस देता है और जल्दी से जल्दी स्टूडेंट का इन सर्विसेज में सिलेक्शन कराता है। सो स्टूडेंट, अगर आप होशियारपुर में ऐसा कोई कोचिंग सेंटर देख रहे हैं तो एक बार आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस जरूर विजिट करें और देखें कि हम स्टूडेंट को किस तरीके से ट्रेन करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।